टुडे पेज 18 ब्रेन टीजर यूनिट 1 पेज 18 यूनिट 1 ब्रेन टीजर पेज 18 यूनिट 1 ब्रेन टीजर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट यू हैव 3 डिजिट्स डिफरेंट डिजिट्स लेट डिजिट्स आर लेट डिजिट्स आर कोई भी 3 डिजिट ले लो 8, 2 and 5 कोई 3 डिजिट ले लीजिए इससे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इसमें तुम कोई भी डिजिट ले सकते हो 3 डिजिट हम एग्जाम्पल के लिए 3 डिजिट लिए तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर डिजिट्स नंबर बाय 8, 2 and 5 8, 2 और 5 से 6 डिजिट नंबर क्या होगा तो यहां पर 6 बॉक्स बनाते हैं 6 बॉक्स बना दिए इसमें सबसे बड़ा है 8 उसके बाद है 5 और तब है 2 8 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2 तो 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा जो है वह वंस प्लेस पर रखेंगे उससे बड़ा जो है वह टेंस प्लेस पर रखेंगे और बाकी 4 प्लेस पर सबसे बड़ा नंबर जो होगा वह पुट कर देंगे तो ये इस नंबर से बनने वाला 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इसी तरह से तुम डिफरेंट 3 डिजिट लेकर के ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ अपने से क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट 4 कोई डिजिट है उससे 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कोई डिफरेंट डिजिट ले लेते 4 लेट 4 डिजिट्स आर आर क्या कुछ भी ले सकते हैं 7, 9, 3 and 2 या कुछ भी 1 या 5 कुछ भी ले लेते हैं 7, 9, 3 and 5 चार कोई डिजिट ले लिए इससे हमको 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स बाय 7, 9, 3 and 5 इज यहां देखते हैं सबसे छोटा कौन है इसमें 3 है 3 इज स्मॉलर उससे बड़ा है 5 उससे बड़ा है 7 उससे बड़ा है 9 ये हम सीक्वेंस बना लेते हैं ताकि हमको कोई गलती नहीं हो 7 बॉक्स बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बॉक्स बनाए इसमें सबसे छोटा नंबर बनाना है सबसे छोटा नंबर तो सबसे बड़ा जो होगा वह वंस प्लेस पर रखेंगे जस्ट इसका उल्टा 1 का जस्ट रिवर्स
सबसे बड़ा जो होगा उसको वंश प्लेस पर रखेंगे, उससे बड़ा जो होगा उसको टेंस प्लेस पर रखेंगे सेवन, उससे बड़ा जो होगा उसको हंड्रेड प्लेस पर रखेंगे, और बाकी जो चार प्लेस बच गया है इसमें सबसे छोटा नंबर जो है इसको रख देते हैं। तो चार डिजिट से बनने वाला यह स्मॉलेस्ट नंबर है, इस चार डिजिट से बनने वाला यह स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम आते हैं, वीडियो इज नॉट क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है आपका, नेटवर्क नहीं बढ़िया है इसलिए। वीडियो भी हम बना रहे हैं, आप देखेंगे बाद में वीडियो को, वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है, आप लोग वीडियो देखिए तब क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर इन ऑल डू वी हैव, आप पांच डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। फाइव डिजिट्स नंबर फाइव डिजिट नंबर्स विच डिजिट्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, इस डिजिट से पांच डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो पांच बॉक्स बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इस बॉक्स में हम जीरो नहीं रख सकते हैं, क्यों, तो जीरो रखेंगे तो चार डिजिट का नंबर बन जाएगा। इस बॉक्स में वन से लेकर के नाइन तक रख सकते हैं, वन टू नाइन यानी नाइन, और इसमें हम जीरो रख सकते हैं, वन टू टेन, वन सॉरी जीरो टू नाइन, इसमें जीरो से नाइन तक रख सकते हैं यानी दस नंबर रख सकते हैं, इसमें भी जीरो टू नाइन रख सकते हैं, हर एक नंबर को रख सकते हैं, केवल यहां पर जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखेंगे तो फोर डिजिट नंबर बन जाएगा। यहां भी हम इसमें भी जीरो टू नाइन रख सकते हैं यानी टेन, और इसमें भी हम जीरो टू नाइन रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं यानी टेन नंबर रख सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स दैट इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन, नाइन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन दैट इज इक्वल टू नाइन फोर जीरो, इतने नंबर बन सकते हैं इस डिजिट से, इस डिजिट से, इस डिजिट से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इससे सेवन एट नाइन नहीं है मेरे वर्कशीट में, यदि होगा तो हम है तो फिर देखेंगे बाद में, अभी पढ़ाने दो। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट सेवन अकर्स इन यूनिट प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स डज द सेवन अकर्स इन यूनिट प्लेस व्हेन वी राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू हंड्रेड, फ्रॉम वन टू हंड्रेड एक से लेकर के और
एक से लेकर के और 100 तक में वंस प्लेस पर 7 कितनी बार आएगा, फ्रॉम 1 to 100 डिजिट 7 अकर्स एट occurs at one's place that is equal to 10. 10 times occur करेगा, 1 to 10 में एक बार, 11 to 20 में एक बार, 1 to 10 में तो 7, 11 to 20 में तो 17, वंस प्लेस पर 7 आ गया, 27, 37, 47, 57, 67. क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम 1 टू 100, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट अकर्स, डिजिट 7 अकर्स इन वंस प्लेस, द 10 टाइम्स 7 जो है वह वंस प्लेस पर आएगा. अब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं है तो आप समझ गए ना, चलिए हटाइए. क्वेश्चन नंबर 5, क्या हम तो हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, बतलाते हैं, तब बनाते हैं. आप समझिए, मैथ हिस्ट्री छोड़ के है, याद करना है. मैथ का मतलब है समझना. आप समझिए पहले क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाना है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट इन द नंबर. इतना नंबर इज, ये नंबर दे दिया है 6027310. 7 डिजिट नंबर्स ये है. इससे सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा. इस डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स ऑफ द नंबर 6027310. इससे सबसे छोटा डिजिट क्या बनेगा, तो 1002367 सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 7 डिजिट का. इस डिजिट से 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये बनेगा. अब इस डिजिट से 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स फॉर्म बाय द डिजिट्स ऑफ द नंबर 6027310. दैट इज, इस डिजिट से, इस नंबर के डिजिट से 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 7632100. इस नंबर के डिजिट से बनने वाले ग्रेटेस्ट नंबर ये होंगे. इस डिजिट के नंबर से बनने वाले, इस नंबर के डिजिट से बनने वाले स्मॉलेस्ट नंबर ये होंगे. तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा,
therefore difference is दोनों का डिफरेंस 7632100 और -100023 67 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 3 7 9 2 6 6 दोनों का डिफरेंस ही होगा यानी इस नंबर के डिजिट से बनने वाले स्मॉलेस्ट नंबर ये इस नंबर के डिजिट से बनने वाले ग्रेटेस्ट नंबर ये और दोनों का डिफरेंस इतना क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का व्यवहार करते हुए सॉल्व करें इसको सॉल्व करें तो 223 into 25 into 6 minus 223 into 10 into 15 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है वैसे नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम बतलाए थे जो दोनों में कॉमन होगा वह ए है तो दोनों में कॉमन 223 दोनों में कॉमन है तो 223 को लिख दिया ए इंटू अ ब्रैकेट शुरू ये आ गया कॉमन यहां बच गया 25 into 6 उसके बाद माइनस है तो माइनस प्लस रहेगा तो प्लस 223 into यह कॉमन है यहां बच गया 10 into 15 ब्रैकेट बंद यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 223 into 25 into 6 150 minus 10 into 15 150 पहले ब्रैकेट का काम 223 into 150 minus 150 तो जीरो और प्रॉपर्टी कहता है जीरो से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज जीरो क्वेश्चन नंबर 7 यह है कंप्लीट द सीरीज सीरीज को कंप्लीट करो क्या है सीरीज तो 1 1 2 3 5 8 13 21 34 और उसके बाद दो है यहां क्या होगा कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करो यहां पर देखिए 1 plus 1 2 1 plus 2 3 2 plus 3 5 3 plus 8 13 8 plus 13 21 13 plus 21 34 21 plus 34 कितना 55 तो यहां आ जाएगा 55
34 प्लस 55 89, यहाँ आ जाएगा 89। कैसे आया ये 55? तो 21 प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 55। यहाँ 89 कैसे आया? तो 34 प्लस 55 इज इक्वल टू 89, इसलिए यहां पर ये आया। ये समझना है कैसे आया। 7 हो गया, अब आइए 8 में। 8 फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर। इसमें खाली स्थान को भरना है। ये दिया हुआ है 41। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 10 5 11 8 10 5 11 8। उसके बाद दिया है 32, और ये इसमें दिया है 6 9 7। यानी इसमें क्या है करना, जैसे भी ऐड करें ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें, डायगोनली ऐड करें, सम एक समान आनी चाहिए। एकदम फोटो क्लियर है। जब इस मैजिक स्क्वायर को हम कैसे भरे, ये देखिए। तो एक जो है कॉलम यहां पर, ये सेकेंड रो, इसको देखते हैं। 10 प्लस 5 15 15 प्लस 11 26 26 प्लस 8 34। यानी इसका सम आया 34, तो सबका सम 34 आना चाहिए। इसका सम 34 आना चाहिए। 6 प्लस 3 9 प्लस 10 19 19। यहाँ क्या आएगा कि 34 आ जाएगा? तो 15 यहाँ आ जाएगा। 15 देखिए, सम 34 आ गया। इसको देखिए, 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि 34 आ जाए? 20 आ गया है, तो यहाँ कौन चीज लिखे है कि 34 आ जाएगा? तो 14। यहाँ अगर 14 लिख देते हैं तो सम जो है वह 34 आ जाएगा। यहाँ देखिए, 4 प्लस 5 9 प्लस 9 18 18 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 34 आ जाएगा सम। यहाँ पर यदि हम 16 कर देते हैं, 34 आ गया सम। फिर यहाँ देखिए, 6 प्लस 9 15 प्लस 7 22। तो यहाँ क्या दे कि 34 आ जाएगा? 22 प्लस 12 34। यहाँ 12 आ जाएगा। 1 प्लस 8 9 9 प्लस 12 9 प्लस 12 21। यहाँ क्या लिखा है? 34 आ जाएगा। तो 13 यहाँ यदि 13 दे देते हैं, मैजिक स्क्वायर मेरा कंप्लीट, मैजिक स्क्वायर मेरा कंप्लीट। देखिए, हर एक तरह से ऐड करने पर 34 ही आएगा, मैजिक स्क्वायर कंप्लीट। किसी भी तरह से ऐड करें तो सम 34 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ भेजेंगे। YouTube तो आप लोग देखते ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा YouTube। हर एक कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सब। हाँ हाँ पहले आइए इसमें प्राइम नंबर्स बिटवीन प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है क्या सब है, तो 83 87 89 97 अब 8387 8997 इससे बनने वाला 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर formed by the digits 1 above, इससे बनने वाले डिजिट से, इस डिजिट से बनने वाले 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 9 9 दो 9 है, 2 8 ले लेते हैं, 8 8 1 7 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, बहुत समय कम बचा हुआ है। फाइंड द नंबर व्हिच इज सक्सेसर ऑफ 10 का ए, सक्सेसर ऑफ 304998 तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 304999 इसका सक्सेसर होगी। बी क्या कहता है, प्रोड्यूसर 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 ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इज 6 डिजिट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यह है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसका प्रेडिसर का प्रेडिसर तो -1 किए तो प्रेडिसर निकल गया, और इसमें फिर -1 कर देंगे तो प्रेडिसर निकल जाएगा, ये क्या बच गया, इसमें 2 माइनस कर दिए तो 8 9 9 9 9 ये हो गया प्रेडिसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, ए माइनस हाउ मच
इज इक्वल टू इतना माइनस कितना इतना हो जाएगा हाँ जैसे जो आपको करना है प्रैक्टिस कीजिए घर पर हम बना करके दिखला रहे हैं भी हाउ मच प्लस डायरेक्ट व्हाट प्रॉब्लम प्लस इज इक्वल टू इसमें कितना ऐड करें कितना हो जाएगा इतना माइनस इतना ये था क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन मेरे पास समय बहुत कम है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ये है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको असेंडिंग यानी सबसे छोटा पहले उसके बाद बड़ा उसके बाद उससे बड़ा ये हो जाएगा सबसे छोटा 15 सबसे छोटा 15 और ये सिंबल लगाइए असेंडिंग का ये सिंबल लगाइए 29 ये सिंबल लगाइए ये सिंबल लगाइए ये सिंबल दीजिए 90 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए HW लिख रहे हैं डू प्रैक्टिस ऑफ ब्रेन टीजर एंड टोटल यूनिट यूनिट वन टोटल कंप्लीट इसका प्रैक्टिस करके रखेंगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस